मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों हम एक नई सीरीज कला गंगा शुरू कर रहे हैं। इसके अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की पूर्व परीक्षाओं यानी कि 1999 से 2021 तक की सभी परीक्षाओं के प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो फिर प्रस्तुत है टीजीटी 1999 की परीक्षा में आए 100 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। बाकी के 60 प्रश्नों को अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम मिर्जापुर में 1880 ईस्वी में कार्लाइन व कॉकबर्न बंधुओं ने की थी। विंध्य की कैमूर पर्वत श्रृंखला में स्थित लिखुनिया, भल्डारिया, घोड़मंगर और सरोह घाट आदि गुफा स्थलों से पशु आखेट के दृश्यों के साथ नृत्य वादन के चित्रों को लगभग 5000 साल पहले चित्रित किया गया था। भारत में प्राचीनतम गुफा चित्र वैसे भीमबेटका की गुफा में ही हैं, जिनका समय 30,000 ईसा पूर्व का है और जिसे 1958 ईस्वी में विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने खोजा था। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय मुख्य रूप से पशु आखेट संबंधी रहा है। ऐसा माना जाता है कि तत्कालीन मानव इन चित्रों का निर्माण अपने मनोरंजन के लिए किया करता था या फिर अपने साथियों को शिकार करने की तकनीकी जानकारी के लिए चित्रांकन करता था। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघनी नदी के किनारे स्थित हैं। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। अगला प्रश्न है, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य बादामी गुफा का है और कलाविद स्टेला क्रैमरिश ने बादामी गुफा चित्रों के अध्ययन के पश्चात यहाँ का विषय भगवान शिव से संबंधित माना था। अगला प्रश्न है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो वात्स्यायन के कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है और कामसूत्र की रचना 600 से 200 ईस्वी के मध्य की गई थी। अगला प्रश्न है, नीले रंग के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताएं। तो नीले रंग का विरोधी नारंगी रंग होता है। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उसे विरोधी रंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। किसी भी चित्रकार के लिए धरातल के अभाव में चित्र रचना करना संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली अकबर के दरबार का मुख्य चित्रकार था और मुगल शासक हुमायूं ने ईरान से भारत आते समय अपने साथ दो प्रमुख चित्रकारों ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली को अपने साथ लेकर आया था। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? तो पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली से हुआ है। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल में पाल वंश के शासकों के समय पाल चित्रकला शैली का विकास हुआ और पाल शैली की विषय वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? तो अजंता की 17वीं गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण मिलता है। इस गुफा के अन्य चित्रों में मृग जातक, महिष जातक, सिंघल जातक, मच्छ जातक, बुद्ध के आदेश, राहुल समर्पण, माता पुत्र, इंद्र के साथ अप्सराएं व किन्नर आदि चित्रित हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है? अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण काल लगभग
628 ईस्वी यानी कि गुप्तोत्तर काल में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन असंबंध है, यानी कि मंसूर, मनोहर, बेहजाद और मिस्किन में कौन असंबंध है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बेहजाद बाबर के समय का मुख्य चित्रकार था, जबकि बाकी तीनों जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत शैली के अंतर्गत राजस्थानी और पहाड़ी चित्रों को रखा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर राजस्थानी और पहाड़ी यानी कि सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है। तो इसका उत्तर होगा बूंदी शैली। राग दीपक चित्र बूंदी शैली का है और बूंदी शैली में राग माला का चित्रांकन किया गया है। वर्तमान में यह चित्र वाराणसी के भारत कला भवन में रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के कवि, कलाकार, कला मर्मज्ञ, शासक का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा सामंत सिंह। महाराजा सामंत सिंह के समय को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। महाराजा स्वयं कवि, कलाकार एवं कला मर्मज्ञ के साथ साथ भगवान कृष्ण के उपासक थे। सामंत सिंह की कविताओं को आधार बनाकर उनके दरबारी चित्रकार निहाल चंद्र ने बनी ठनी का चित्रण किया था, जिसे भारत की मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा मंदिरों का निर्माण, यानी कि गुप्त काल की जो प्रमुख विशेषता है वो मंदिरों का निर्माण आरंभ होना है। इस काल के प्रथम मंदिर के जो साक्ष्य मिलते हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप के पास प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है। तो मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण यानी कि सबीह बनाने का चलन अकबर के समय में प्रारंभ हुआ और अकबर को सभी बनवाने का बहुत शौक था। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता है। तो ईरानी शैली रेखा पर आधारित थी। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलाई युक्त नहीं है बल्कि सपाटदार कोण युक्त हैं। ईरानी कला में बारीक रेखाओं का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था, उस नरेश का नाम क्या था। तो एलोरा में राजा कृष्णदेव राय ने सर्वप्रथम कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जो एक पहाड़ी को तराश कर किया गया है। अगला प्रश्न है, कंडारिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है कि खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं। उदयगिरी की गुफाओं का संबंध हिंदू और जैन धर्म से है। उदयगिरी की कुछ गुफाएं सुंग काल की हैं और कुछ गुप्त काल की हैं। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जो मूर्ति है वो वाराह अवतार की है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जैन और हिंदू धर्म दोनों हो सकता है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर है कि चित्तौड़गढ़, यानी कि यह स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है और यह स्तंभ जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है। इसका सही उत्तर है यामिनी राय। यामिनी राय बंगाल की लोक कला की ओर आकृष्ट हुए और उन्होंने कालीघाट के पटुआ चित्रकला की कैलीग्राफिक ब्रश लाइन को अपनाया और उस पर काम किया। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण से सम्मानित कलाकार कौन है। तो फिर चारों ऑप्शन में नंदलाल बसु ऐसे कलाकार हैं जिन्हें 1954 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, चैतन्य का गृह त्याग चित्र किस चित्रकार ने बनाया। तो इसका सही उत्तर है क्षितिन्द्रनाथ मजुमदार।
बंगाल के वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु की भावमय लीलाओं का प्रदर्शन इनके प्रत्येक चित्रों में दिखाई देता है। अगले प्रश्न के चार ऑप्शन में बंगाल शैली के कौन से कलाकार नहीं हैं, तो इसमें रथिन मिश्रा बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। रथिन मित्रा कलकत्ता ग्रुप के कलाकार थे और बाकी तीनों बंगाल शैली के हैं। और कलकत्ता ग्रुप के जो प्रमुख कलाकार थे उनमें निरोध मजूमदार, सुभो टैगोर, गोपाल घोष, पारितोष सेन और रथिन मिश्रा, प्राण कृष्णपाल, प्रदोष दासगुप्ता और कमला दासगुप्ता आदि शामिल थे। अगला प्रश्न है कि सैयद हैदर रजा क्या हैं, व्यक्ति चित्रकार हैं कि दृश्य चित्रकार, कि घनवादी चित्रकार, कि अमूर्त चित्रकार? तो इसका सही उत्तर है डी, अमूर्त चित्रकार। अगले प्रश्न में जो चार ऑप्शन है उसमें से एक असंबंध है, बताइए कौन सा है? तो इसमें ज्योति भट्ट तीनों कलाकारों से अलग हैं, क्योंकि ज्योति भट्ट ग्राफिक्स और प्रिंट मेकिंग की सिद्ध कलाकार हैं और बाकी तीनों मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनी ठनी की चित्र शैली है ए कोटा बूंदी शैली, बी कांगड़ा शैली, सी किशनगढ़ शैली, डी मुगल शैली? तो इसका सही उत्तर है किशनगढ़ शैली। महाराजा सामंत सिंह के काल को किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला प्रश्न है चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो चित्रकला की अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली, जैन शैली और पश्चिम भारतीय शैली नाम दिया गया है। इस शैली को मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया। अगला प्रश्न है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिर किस स्थान पर बनवाए? तो इसका सही उत्तर है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में पंचरथ के नाम से विख्यात पल्लव शासकों द्वारा निर्मित मंदिर में पांच रथों की रचना अलग अलग शैलियों में की गई है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? 17वीं गुफा में यशोधरा से भगवान बुद्ध का भिक्षा मांगने वाला चित्र चित्रित किया गया है, जिसमें यशोधरा के द्वार पर बुद्ध एक भिक्षुक के रूप में आते हैं और यशोधरा अपने पुत्र को भगवान बुद्ध को समर्पित कर देती है। अगला प्रश्न है भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण भगवान। राजस्थानी चित्रकला का प्रिय विषय राधा कृष्ण रहे हैं, इसलिए अधिकतर कृष्ण से संबंधित ग्रंथों में का चित्रांकन देखने को मिलता है, जैसे गीत गोविंद, भागवत पुराण, बिहारी सत्संग, रसिक प्रिया आदि ग्रंथों पर चित्र बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है राम किंकर बैज का जन्म हुआ था दिल्ली में, बंबई में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में? तो इसका सही उत्तर है बंगाल में। राम किंकर बैज का जन्म 1906 ईस्वी को बंगाल के बांकुरा में हुआ था। वे आधुनिक भारतीय मूर्ति कला के अग्रदूतों में से एक थे। उनके प्रसिद्ध शिल्पों में 1938 में बनाई गई मूर्ति संथाल परिवार और 1954 में भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर दोनों ओर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति शामिल है। अगला प्रश्न है कि भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आधुनिक भारतीय चित्रकला में राजा रवि वर्मा तैल रंगों में पेंटिंग करने वाले प्रथम चित्रकार थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को दिया जाता है। यहीं से भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास भी आरंभ होता है और आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह तथा बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है कि अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं है? तो इसमें गोपाल घोष अवनींद्रनाथ के शिष्य नहीं थे, बल्कि वे
देवी प्रसाद राय चौधरी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चित्रकार है मूर्तिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बेंद्रे। बेंद्रे सिर्फ चित्रकार थे, बाकी जयराम पटेल, रामकिंकर बैज और देवी प्रसाद राय चौधरी चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। अगला प्रश्न है कि जितेंद्रनाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक थे? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1942 से 1965 ईस्वी तक जितेंद्रनाथ मजूमदार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के शिक्षक रहे। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? तो इसका सही उत्तर है आशित कुमार हल्दर। आशित कुमार हल्दर ने अजंता, बाघ तथा जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। तो फिर मित्रों, आज बस इतने ही प्रश्नों को हल करते हैं। अगले वीडियो में हम 1999 की परीक्षा के बाकी प्रश्नों को हल करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।